गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम सीखेंगे हस्त उत्तानासन व अर्ध उष्ट्रासन। हस्त उत्तानासन के लिए पैरों को पास पास रख के हाथ बगल में रख के खड़े होंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर और पीठ को पीछे की तरफ झुकाते हुए हाथों को देखेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर सांस लेते हुए ऊपर, दृष्टि आपकी हाथों पर, सांस छोड़ते हुए वापस। इस प्रकार यह हुआ हस्त उत्तानासन। इसके बहुत से फायदे हैं। पहले कंधे और बाहें मजबूत होती हैं, कंधों की लचीलापन आता है, पेट पे खिंचाव पड़ने के कारण पाचन की क्रिया अच्छी होती है और फेफड़ों में फैलाव आता है जिससे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए, पैरों को थोड़ा सा कंधों के बराबर दूरी पर रखेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए एक हाथ से पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, गर्दन पीछे झुकेगी, आपकी नजर आगे वाले हाथ पर। सांस लेते हुए वापस, फिर इसी को दूसरी तरफ करेंगे, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए। इस प्रकार यह हुआ अर्ध उष्ट्रासन। इसके बहुत से फायदे हैं। पीछे की ओर झुकने के कारण कमर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और स्वस्थ होती है। पीछे की ओर गर्दन झुकाने से थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, जो थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार आज हमने सीखा अर्ध उष्ट्रासन व हस्त उष्ट्रासन। धन्यवाद।